यहाँ पर जो प्रतिमा जी विराजमान है 3000-4000 वर्ष प्राचीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर ऑल गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग वापस स्टेशन पे ही हैं और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड आयुष, और आज हम लोग जाने वाले हैं नाथनगर में स्थित दिगंबर जैन मंदिर, जो कि अराउंड 3.5 किलोमीटर है स्टेशन से। दो तरीके से हम लोग जा सकते हैं, खुद के व्हीकल से या व्हीकल को हायर करके। तो ये आपको उतारेगा नाथनगर के पास, मंदिर के पास ही। वहाँ से कुछ मीटर्स हम लोगों को पैदल चल करके जाना होगा। तो चलिए टूर को शुरू कर। हमारे साथ एक भागलपुर के रिक्शा चालक हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इकबाल। तो हम लोग इस मोड़ से मंदिर तक कैसे जाएंगे? यहाँ नलमटिया जो सामने पश्चिम की तरफ जा करके दाहिना मोड़ना पड़ेगा पश्चिम की तरफ। अच्छा। आप दोनों पंथी और वो धर्मशाला दोनों आप एक रोड में घूम करके यहाँ से अगर रिक्शा लेते हैं तो कितना भाड़ा लगेगा? 20 रुपये। और ऑटो से जो हम लोग आए स्टेशन से, कितना लेता होगा ऑटो वाला? जैन मंदिर के एंट्री पे ही इनका एक बहुत ही अच्छा चाय का टपरी है। क्या नाम है भैया आपका? जोर से बोलिए। मोहम्मद नसीम। इनका बहुत ही अच्छा चाय दुकान है। तो जो भी हमारे ब्लॉग को देखते हैं या जो भी विजिटर्स इधर से क्रॉस करते हैं, इनके दुकान पर चाय ज़रूर एक बार ट्राई करें। इनका बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है और बहुत ही बेहतरीन चाय है पिलाते हैं। तो और मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड हैं, इनका नाम है दीक्षा और ये हैं आशुतोष। और अब हम लोग साथ में अंदर चल के जाएंगे। किस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर? 10 लक्षा में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और किस तरह का एंट्री प्रोसीजर क्या है? मतलब हम लोग जैसे वहाँ पर जूता खोल करके आए, उसके बाद क्या करना यहाँ पर है? अधर पब्लिक 12 बजे से चालू होती है। अच्छा। जो 12 बजे अंदर प्रवेश होता है, 12 बजे आएंगे वो बाहर जूते चप्पल खोलेंगे, मोजे खोलेंगे, बेल्ट खोलेंगे, फिर वहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद यहाँ एंट्री रजिस्टर होता है। यहाँ पर नाम, पता, पिताजी का नाम और समय, आने का समय, जाने का समय लिख दिया जाता है और फिर अंदर प्रवेश दे दिया जाता है। ये सब निःशुल्क होता है, इसका कोई शुल्क नहीं है। जस्ट अभी हम लोग अब एंटर करेंगे मंदिर के अंदर चल करके और लोगों से जानेंगे। यहाँ पर जो पुजारी जी हैं वो हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से यहाँ का क्या हिस्ट्री है और भगवान के बारे में भी कुछ जानेंगे। जहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, ये विश्व की एकमात्र ऐसी भूमि है जहाँ पर एक ही तीर्थंकर के पांचों कल्याणक हुए हैं। जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, ये मंदिर ईसा पूर्व से सन 541 वर्ष प्राचीन मंदिर है। अपने जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार होता रहता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा ये मंदिर कितना प्राचीन है। ये मंदिर लगभग 2400-2500 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने इस धरा पर, इस चंपापुरी नगरी में एक दो नहीं तीन तीन वर्षा काल व्यतीत किए हैं। ये वही कीर्ति स्तंभ है जिसके नीचे से पहले सुरंग के रास्ते थे, जो यहाँ से मंदारगिरी पर्वत तक सुरंग का रास्ता था, जो अब सुरंग का रास्ता बंद कर दिया है, यहाँ जिनवाणी मंदिर स्थापित कर दिया है। एवं इसमें अंडरग्राउंड ऊपर जाने के लिए भी एक समय सीढ़ियाँ थी। अच्छा। जो बोलते हैं कि ऊपर जाकर के मंदारगिरी के दर्शन यहीं से हो जाते थे। आज के समय में 19 बड़े मंदिरों के साथ कुल 49 वेदियां विराजमान है। तो ये मंदिर कब का है? ये मंदिर यहाँ पर जो प्रतिमा जी विराजमान है 3000-4000 वर्ष प्राचीन। ऐसी जटा वाली प्रतिमा, जैसे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है, ऐसी जटा वाली प्रतिमाओं के दर्शन जैन शास्त्र में बहुत कम होते हैं। ये
है मंदिर में एक सेक्शन है जो कांच का बना हुआ है पूरा, ये वासु पूज्य भगवान का, ये पांचों कल्याणक का विवरण भी है यहाँ पांच तस्वीर में इस साइड, पांचों कल्याणक का बैक टू बैक यहाँ पे बगल में लगा हुआ है। और ये पूरा मंदिर कांच का बना हुआ है, इसका फ्लोरिंग से लेकर के इसका सीलिंग तक सभी कुछ फुल ग्लास बना हुआ है, जिसको ये बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। मंदिर के बीच में एक भगवान श्री वासु पूज्य जी का बहुत बड़ा स्टैच्यू है, लगभग 30 फीट का होगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और इसको लोग आकर के पूछते भी। क्योंकि बारिश हो रहा है तो हम लोग कुछ देर यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बारिश रुकेगा तो हम लोग आगे ब्लॉग करेंगे। तो हमारे साथ हमारे आशुतोष भाई हैं और ये बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और इनके अब्बा ने इनको हारमोनियम दिया है बजाने के लिए, तो अब इनसे एक गाना नहीं सुना तो फिर ब्लॉग में मजा क्या। तो आशुतोष जी, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी कमी इस लम्हे में है, वो लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। यहाँ पे काफी क्यूट से एक प्यारे से बंदर है जो कि सबसे प्यारे दोस्त है हमारे, हमारे बीच कई कई लोगों से इसका एटीट्यूड भी मैच करता है। तो ब्लॉग को आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी तो हम लोग को बार बार होल्ड करना पड़ रहा था। काफ़ी अच्छा प्लेस है, मस्ट विजिट, फैमिली के साथ आइए, टाइम स्पेंड करिए और ये काफ़ी अच्छा एम्बियंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ बिग 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 थम्स अप। और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो विद दैट सेट मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।